मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स विषय हिंदी व्याकरण एक्सरसाइज वन भाषा बोली लिपि एवं व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूं। आप लोग से अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में स्वच्छ एवं शुद्ध शुद्ध लिखावट में लिखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं के नाम लिखें। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं के नाम लिखें। तो विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में आती है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश, तुर्की, अरबी, मलय, हिब्रू इत्यादि। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश, तुर्की, अरबी, मलय, हिब्रू इत्यादि। अब है प्रश्न नंबर दो, भारत के संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के नाम लिखें। मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, रोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। अब है प्रश्न संख्या तीन है, दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखें कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो जैसे हिंदी भाषा, हिंदी देवनागरी, बांग्ला बांग्ला लिपि, उर्दू फारसी लिपि, संस्कृत देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि और अंग्रेजी रोमन। आप लोग समझ गए बच्चे। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर, भाषा किसे कहते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, यानी कि अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान किस साधन से किया जाता है, हम उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक एक लिखित। मौखिक मुंह से बोलकर और लिखित लिखकर। इसके बाद है मौखिक एवं लिखित भाषाओं में क्या अंतर। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और लिखित भाषा वह भाषा है जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा क्या है? तो मौखिक भाषा मुंह से बोलकर व्यक्त की जाती है, जबकि लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लासिक्स में हिंदी व्याकरण का एक्सरसाइज वन यही समाप्त होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज दो पर